नमस्कार साथियों, हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं कुलदीप शर्मा, जैसे कि आपको नेमेटोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगा आज। और ये जो सब्जेक्ट हैं बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं और वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट ये रहा है। तो आपको मैं बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट, पूरे सारे आपके बेसिक जो हैं क्लियर होंगे यहाँ पे और बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, तो हम अच्छे से इसको समझेंगे। तो यानी शुरू से ही आप इसको अच्छे से समझिए, समझते चलिए। तो देखिए, वेलकम टू द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ निमेटोड्स, आपका अगेन मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है इनका। देखिए, जो निमेटोड्स होते हैं बहुत सूक्ष्मदर्शी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमको आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोपिक ये होते हैं। ओके, देखिए, निमेटोलॉजी पढ़ने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि निमेटोलॉजी जो है, निमेटोड्स जो हमारे हैं वो किस यानी मेजर ब्रांच के अंदर यहाँ डील करते हैं। तो देखिए, क्रॉप प्रोटेक्शन एक मेजर सब्जेक्ट होता है, या फिर हम इसी को प्लांट प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन और आइदर प्लांट प्रोटेक्शन, यानी क्रॉप का क्या करना, प्रोटेक्शन करना, और आइदर प्लांट जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन करना फ्रॉम पेस्ट, जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं। पेस्ट से हम इनका क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो ऐसे जो हमारे पेस्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे जो निमेटोलॉजी होती है उसके अंदर निमेटोड्स आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूत्रकृमी। हिंदी में हम इनको बोलते हैं सूत्रकृमी। तो ये जो निमेटोड्स होते हैं ये प्लांट्स को डैमेज करते हैं। देखिए, प्लांट्स के अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज अ पेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर हम निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का को हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, प्लांट पैथोलॉजी अनदर एक ब्रांच आती है क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर, जिसके अंदर की प्लांट पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड मेनी अदर्स। ओके, तो वो आपको प्लांट पैथोलॉजी में डील किया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में जो कि इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यानी ये आपके लिए जानना एक आवश्यक है कि जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन या प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर जो निमेटोड्स हैं वो कहाँ आएंगे। तो निमेटोड्स एक सब्जेक्ट है आपका निमेटोलॉजी, इसके अंदर ये आते हैं, ठीक है। तो हम ये अब पढ़ने वाले हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे पेस्ट को सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि पेस्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थोड़ा सा बेसिक जानना निमेटोड्स पढ़ने से पहले। तो पेस्ट जो होता है, देखिए, इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेस्ट जो होगा इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करना पड़ेगा, पेस्ट जो है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट विच इज हार्मफुल टू क्रॉप प्रोडक्शन और ह्यूमन कंसर्न। देखिए ये क्या होता है, ह्यूमंस जो होते हैं उनके लिए या फिर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, उसको हम बोलेंगे पेस्ट यहाँ पे, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं निमेटोलॉजी। तो यहाँ पे निमेटोड्स जो हैं वो अगर क्रॉप को हार्म करेंगे, यानी क्रॉप को वो क्या करेंगे, डैमेज पहुंचाएंगे, तो हम उनको पेस्ट यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल अभी निमेटोड्स होने वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निमेटोड्स क्या करेंगे। देखिए, प्लांट को हार्म करेंगे तो ये क्या करेंगे, प्लांट डिजीज को कॉज करेंगे। तो यानी डिजीज क्या होती है, ये आप देख लीजिए, डिजीज इज अ माल फंक्शनिंग इंटरफेरेंस विथ वन और मोर ऑफ अ प्लांट्स इसेंशियल फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल सिस्टम एंड कॉज्ड बाय द कंटिन्यूड इरिटेशन ऑफ ए प्राइमरी फैक्टर और फैक्टर्स, या हम इसको बोल सकते हैं पेस्ट। ओके, और यहां पे देखिए पेस्ट कौन होगा, तो ये होगा निमेटोड्स, ठीक है। तो डिजीज क्या होती है, दे कंटिन्यूस प्रोसेस होती है ये इंटरफेरेंस, जो कि एक इंटरफेरेंस मतलब क्या होगा, उसके बाधा डालते हैं ये पेस्ट जो होगा निमेटोड्स यहाँ पे प्लांट के फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ओके, प्लांट्स का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम और जो बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है वहां पे ये क्या करते हैं, ये जो निमेटोड्स होंगे ये क्या करेंगे, कंटिन्यूड इरिटेशन कॉज करेंगे प्लांट्स को। और जब ये कंटिन्यू इरिटेशन कॉज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट्स के अंदर ये क्या करेंगे, सिम्टम को प्रोड्यूस कर देंगे, और जो सिम्टम होगा फाइनली क्या होगा, वहां पे प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करेगा, और वो क्या करेगा, डिजीज वहां पे मतलब प्लांट्स को डैमेज करेगा, मीन्स इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कॉजिंग द डिजीज इन टू द प्लांट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो निमेटोड्स हैं यहाँ पे सूत्रकृमि जो हैं, ये एक पेस्ट है, बिकॉज दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और ये क्या करता है, प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, यील्ड लॉसेस। देखिए फाइनली क्या होगा, जो अगर कोई पेस्ट है वो अगर डिजीज करेगा तो फाइनली क्या होगा, वहां पे यील्ड लॉसेस होगा प्लांट के अंदर। तो यील्ड लॉसेस है, देखिए इसको हम देख लेते हैं। यील्ड लॉस क्या होता है, द रिडक्शन और डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द यील्ड थ्योरेटिकल पॉसिबल। देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रिडक्शन और डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द यील्ड थ्योरेटिकली पॉसिबल। तो देखिए ये एक हमारा हेक्टर का खेत है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई हमारी क्रॉप है, अगर मान लिया जाए हमारी कोई क्रॉप है और उसकी जो 50 क्विंटल हम बोलते हैं कि इसकी क्या होती है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है, 50 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है एक क्रॉप का, कोई भी आप मान सकते हैं। तो देखिए ये हमारा थ्योरेटिकल अजम्पशन है कि इतना होगा, बट एक्चुअल जो एक्चुअल होगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना हुआ, 35 क्विंटल पर हेक्टेयर हुआ, तो देखिए क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। तो एक्चुअल यील्ड हमको कितनी मिली, कम मिली, यानी ये जो रिडक्शन हुआ है यील्ड में, इसी को हम क्या बोलेंगे, यील्ड लॉसेस हम इसको बोलते हैं। ये क्या है, यील्ड लॉसेस। अब देखिए ये किसके द्वारा होगा, मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, जैसा कि हम देख लेते हैं, यील्ड लॉसेस बाय वीट्स जो होंगे 33% यील्ड लॉसेस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो क्रॉप जो के अंदर जो यील्ड लॉसेस होता है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, वीट्स के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हम ज्यादातर ऐसा मानते हैं कि या तो इंसेक्ट या फिर पैथोजेंस जो होंगे, प्लांट पैथोजन, वो सबसे ज्यादा यहाँ क्या करते हैं, यील्ड लॉसेस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा एक एस्टिमेशन माना गया है कि वीट्स जो होते हैं, खरपतवार जो होते हैं, फसलों के साथ कंपटीशन करते हैं, खरपतवार को भी हम पेस्ट के रूप में मानते हैं, और ये जो होते हैं ये सबसे ज्यादा डिजीज, सबसे ज्यादा यील्ड लॉसेस करते हैं, एटलीस्ट 33%। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इंसेक्ट होगा 26% तक डैमेज कर देते हैं और यील्ड लॉसेस करते हैं, और जो डिजीज होगी, अब देखिए डिजीज कौन करेगा, प्लांट पैथोजेंस करेंगे, इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, फंजाई आ गया, वायरसेस आएंगे, प्रोटोजोआ एंड मेनी अदर्स होंगे, और एज वेल एज निमेटोड्स भी होंगे। तो इन सबको मिलाकर जो ये प्लांट पैथोजन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, एटलीस्ट 20% क्या कर सकते हैं, यील्ड का रिडक्शन कर सकते हैं। अब देखिए आप बोलोगे कि 20, 26 और 33 यानी इतना परसेंट लॉस हो जाएगा, नहीं इतना नहीं होगा। क्या होता है, ये एक एस्टिमेशन है कि इतने तक वो कर सकते हैं। ओके, इतने तक कर सकते हैं एक कोई भी ग्रुप, बट इतना नहीं होता है, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स हम अपनाते हैं, तो अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन मेजर नहीं अपनाएंगे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, या वीड्स के लिए, या फिर प्लांट पैथोजेंस के लिए, या इंसेक्ट के लिए, तो वो इतना डैमेज वहां पे कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए ये जो एस्टिमेशन है, आप बोलोगे कि सर ये किसने दिया, आप आपके मन से बता रहे हो क्या, नहीं हम हमारे मन से नहीं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो DWSR है, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च, जो कि जबलपुर MP यानी मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये क्या करता है, ये वीड साइंस का एक ऐसा रिसर्च सेंटर है, डायरेक्टोरेट है जबलपुर के अंदर, इसने ये एस्टिमेशन दिया है कि देखिए इतना लॉसेस ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, या तो वीड्स हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, या डिजीज हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर इतना यील्ड लॉसेस कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसका एस्टिमेशन है, DWSR का एस्टिमेशन है, और ये कहाँ है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये देखिए जबलपुर और MP के अंदर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, अब हम पढ़ते हैं निमेटोलॉजी या निमेटोड्स। तो निमेटोलॉजी, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, निमेटोलॉजी मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम निमेटोड्स की स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको निमेटोड्स पढ़ना पड़ेगा, निमेटोड्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे निमेटोड्स जो हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, निमेटोड जो है यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है, देखिए उससे लिया गया है, जिसका कि मीनिंग होता है नेमा। नेमा एक क्या है, ग्रीक वर्ड है जिससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड मतलब धागेनुमा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत याद रखना है आपको। ठीक है, थ्रेड का मतलब होता है धागेनुमा, इस टाइप के धागेनुमा ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं। ठीक है, धागेनुमा ये क्या होते हैं, जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं।
ओइडस, ओइडस का मतलब होता है फॉर्म या रिजेंबल। देखिए इस टाइप का इनका क्या होता है, रिजेंबल्स होता है, मतलब थ्रेड लाइक रिजेंबल, थ्रेड लाइक रिजेंबल होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक फॉर्म या फिर थ्रेड वर्म भी इनको हम बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनको क्या हम कहेंगे, या तो थ्रेड लाइक वर्म्स होंगे ये, या फिर थ्रेड लाइक फॉर्म होगा, क्योंकि ये धागे नुमा दिखते हैं। नेमा, नेमा मीन्स थ्रेड और ओइडस मीन्स रिजेंबल। देखिए यहाँ पे एक नेमेटोड है, तो इस टाइप से क्या होता है, ये कोयल होते हैं और इस टाइप से धागे नुमा ये क्या होते हैं, एनिमल्स हैं ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, निमेटोड। और देखिए निमेटोड को हिंदी में हम सूत्रकृमि बोलते हैं, सूत्रकृमि, क्योंकि जो सूत्र होता है उसको हम बोलते हैं धागा, ठीक है। सूत्र को क्या बोलते हैं, हम धागा बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको दोनों चीजें याद रख लेना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हम सूत्रकृमि, तो वो भी हम हमको पता है कि सूत्र का मतलब धागा होता है, धागे नुमा ये जीव होते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए कुछ कुछ जगह निमेटोड जो होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए निमेटोड्स आल्सो कॉल्ड, उनको क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा इलवम, जो कि याद करना है आपको, ई याद रखना है। इलवम जो होता है यूरोप में इनको बोला जाता है, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इसको क्या बोलती है, इलवम बोलती है। यानी जो हम जो इंडियंस हैं हम निमेटोड्स या सूत्रकृमि बोलेंगे, बट जो यूरोपियंस होते हैं इन निमेटोड्स को क्या बोलते हैं, इलवम। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब देखिए नेमाज, नेमाज जो है यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट में इनको बोला जाता है नेमास, ठीक है। और देखिए हम ये दोनों क्यों याद कर रहे हैं, इल्वम और नेमास हम क्यों याद कर रहे हैं, आप बोल दोगे कि सर हमको इससे क्या मतलब है, बिल्कुल मतलब है, क्योंकि जो इल्वम या नेमास हैं यानी निमेटोड जो हैं, इन कंट्रीज के अंदर बहुत अच्छे से स्टडीड किए गए हैं। सबसे पहले जो है निमेटोड्स की स्टडी यानी यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनका वर्क होता है, इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताया यहाँ पे, क्योंकि आगे आप जब देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे, अभी बता देता हूँ मैं, बाकी फिर वापस आपका रिविजन करवाऊंगा। एन ए कोब, एन ए कोब जो होता है, होते हैं एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने निमेटोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जो कि यूएसए से हैं, ठीक है। और एक जो है एच सी बास्टिन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज से हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एन ए कोब को हम अमेरिकन फादर ऑफ निमेटोलॉजी बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, यूरोपियन फादर ऑफ निमेटोलॉजी, ठीक है। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको यहाँ पे नेमास और इलवम याद रखना जरूरी है। अब देखिए राउंड वर्म्स, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। राउंड वर्म्स बाय जूलॉजिस्ट, देखिए जूलॉजिस्ट यानी जंतु वैज्ञानिक। तो देखिए आगे हम पढ़ने वाले हैं कि निमेटोड्स क्या होते हैं, एक एनिमल हैं, ये एनिमल किंगडम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, निमेटोड्स क्या है, एनिमल किंगडम में आते हैं। अब हम देखिए हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि प्लांट पैथोजेंस, ये प्लांट पैथोजन है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उनका एक अलग ग्रुप होता है, वो एनिमल्स नहीं होते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि निमेटोड्स भी उनके साथ हैं, इसलिए ये एनिमल नहीं होंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन हम गलत करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, निमेटोड जो है एनिमल किंगडम से बिलोंग करेंगे, और ये क्या है, एनिमल है, जंतु है, ठीक है। इसलिए जूलॉजिस्ट इनकी स्टडी करते हैं। तो जूलॉजिस्ट ने जब इनको क्रॉस सेक्शन में काट के देखा, देखिए क्रॉस सेक्शन में जब इन्होंने काटा जूलॉजिस्ट ने इनको, तो ये क्या होते हैं, राउंड टाइप से दिखाई देते हैं, राउंड इनका क्रॉस सेक्शन होता है जब इनको इंटरनल कट किया जाता है और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, इसलिए इनको राउंड वर्म बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखिए, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा था, जिसका हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए निमेटोड्स आर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जो एनिमल है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और इनवर्टिब्रेट्स हैं, मतलब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट निमेटोड्स जो हैं, देखिए हमारे जो एनिमल्स होते हैं या तो इनवर्टिब्रेट्स होंगे और आदर वर्टिब्रेट्स होंगे। सो निमेटोड जो होगा वो क्या है, इनवर्टिब्रेट है, अकशेरुकी हैं, बिकॉज जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दे पोजेस द बैकबोन, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी उनके अंदर होती है, बट निमेटोड्स डू नॉट पोजेस द बैकबोन, सो दे आर कम्स अंडर द इनवर्टिब्रेट्स, यानी इनवर्टिब्रेट्स ये क्या है, एनिमल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब ये एनिमल है,
तो अब देखिए इनका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। इनका जो डोमेन है, डोमेन यानी जो डोमेन है इनका, यूकेरियोट है, यूकेरियोट एनिमल है, ठीक है। ये क्या है, यूकेरियोटिक एनिमल है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, यूकेरियोटा के अंदर क्या है, एक इनका डोमेन आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। किंगडम, देखिए किंगडम जो है इनका, यानी किंगडम जो है एनिमेलिया है, ठीक है, ये हम जान चुके हैं, क्योंकि एनिमल से तो इनका किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया होगा। अब फाइलम, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट है। फाइलम जो है इनका निमेटोडा, ठीक है, इनका जो फाइलम है वो क्या है, निमेटोडा है। क्यों, क्योंकि ये निमेटोड जो होते हैं एक फाइलम के अंदर रखे गए हैं, जिसको हम बोलते हैं निमेटोडा फाइलम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए हम निमेटोड्स को और आगे थोड़ा और देख लेते हैं कि निमेटोड्स की हैबिट क्या होती है। तो देखिए निमेटोड्स जो होते हैं, फ्री लिविंग निमेटोड्स होगा एक ग्रुप इनका, मतलब फ्री लिविंग मतलब ये क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से ये इन्वायरमेंट में रहते हैं। एक जो होगा इनका पेरासिटिक फॉर्म होगा, मीन्स पेरासिटिक निमेटोड्स, ठीक है। एक जो है फ्री लिविंग है, एक है इनका पेरासिटिक निमेटोड। तो फ्री लिविंग हम पहले देख लेते हैं। फ्री लिविंग मतलब ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में फ्रीली रहेंगे और किसी भी प्रकार का ये डिजीज कोज नहीं करेंगे, इनको हम बोलते हैं फ्री लिविंग निमेटोड्स। जैसा कि एक एग्जाम्पल याद करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़िनोरेब्डेटस रेब्डिटिस इलेंगस। सो ज़िनोरेब्डेटस इलेंगस जो है क्या है, एक निमेटोड से, जो कि फ्री लिविंग निमेटोड है, इंपॉर्टेंट निमेटोड है, बिकॉज जेनेटिक स्टडीज में इसका बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं पेरासिटिक टू द ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके ये पेरासिटिक होते हैं निमेटोड्स। ह्यूमन बींग्स यानी हम, यानी मनुष्य हो गया और अदर जो एनिमल्स होंगे उनके जो ये क्या होते हैं, यहाँ पे पेरासिटिक होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं हेलमिंथस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे निमेटोड्स जो कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर पेरासिटिक होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलमिंथस। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक दो, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स और वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे निमेटोड्स होते हैं जो कि फ्री लिविंग, जो कि पेरासिटिक होते हैं ह्यूमन बींग पर, इनको हम बोलते हैं हेलमिंथस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अनदर हम देख लेते हैं यहाँ पे, पेरासिटिक इन टू द इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट, मतलब जो पेरासिटिक किसके ऊपर होंगे, इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर होंगे ये। तो इनवर्टिब्रेट्स में हम एग्जांपल लेते हैं, इंसेक्ट के ऊपर ये पेरासिटिक होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ईपीएन। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म दे देता है और हमसे पूरा उसका फुल फॉर्म पूछता है, ईपीएन क्या है। तो ये एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स होते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स होते हैं, जो कि एंटोमो मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट के ऊपर ये पैरासिटिक होते हैं, इंसेक्ट को ये किल करते हैं, यानी इंसेक्ट के ऊपर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे और उसको पैरासाइट करेंगे ये, ठीक है। जैसा कि दो एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आप पढ़ेंगे, हेटेरोरेब्डिटिस एंड स्टिनर नेमा, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इनका हम अलग ही चैप्टर रखेंगे ईपीएन, वहां हम इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा पेरासिटिक टू द प्लांट्स। देखिए प्लांट्स के अंदर ये पेरासिटिक होते हैं और इनको हम बोलते हैं PPN, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा जो है हमारा निमेटोलॉजी इसके अंदर डिस्कस होने वाला है। PPN यानी प्लांट पेरासिटिक निमेटोड, प्लांट्स के अंदर जो पेरासिटिक होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट पेरासिटिक निमेटोड, जो कि एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ एंग्विना टिटिसाई, और भी आगे हम पूरे चैप्टर में ये निमेटोड्स हम आगे पढ़ने वाले हैं फर्दर स्लाइड्स के अंदर, और जो हमारे फर्दर जो लेक्चर्स होंगे हम ज़्यादातर प्लांट पेरासिटिक निमेटोड्स का ही डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि हम प्लांट निमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसको हम फाइटो निमेटोलॉजी भी बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारा जो ज्यादातर डिस्कशन होगा प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स का होगा। बट एज ए हैबिट, बिकॉज ऑफ हैबिट के आधार पर हमने क्या है, निमेटोड्स को अलग अलग भागों में बांट दिया, फ्री लिविंग बांट दिए, पैरासिटिक फॉर्म हो गया, ठीक है, फ्री लिविंग हो गया और पैरासिटिक फॉर्म हो गया। फ्री लिविंग में जो फ्री रहेंगे, किसी को डिजीज नहीं करेंगे, पैरासिटिक में ह्यूमन बींग्स हमारे ऊपर हो सकते हैं, तो ह्यूमन बींग यानी ह्यूमन बींग से ही आप याद रख सकते हैं, ह्यूमन बींग के होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हेलमिंथस बोलेंगे, और इनवर्टिब्रेट्स यानी इंसेक्ट के ऊपर पैरासाइट होंगे तो उनको हम एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स बोलेंगे, और जो प्लांट के ऊपर पैरासिटिक होंगे ऐसे निमेटोड्स को हम क्या बोलेंगे, पीपीएन यानी प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। आगे चलते हैं, देखिए हम यहां देखो महत्वपूर्ण है ये पॉइंट आपके लिए याद रखना, नोबल प्राइज फ्रॉम निमेटोड्स वर्क। देखिए
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए निमेटोड जो होते हैं, निमेटोलॉजी बहुत छोटा सब्जेक्ट है, एज वेल एज वन मोर थिंग, निमेटोड्स की डिस्कवरी बहुत लेट हुई है, ठीक है, बहुत वेरी लेट इनका डिस्कवरी हुई है और इनको बहुत लेट पढ़ा गया है, ठीक है। इन 1743 में फर्स्ट निमेटोड्स को डिस्कवर किया गया था, जो कि एंग्विना ट्रिटिसाई था, हम इसको पढ़ेंगे आगे। तो देखिए 1743 मीन्स वेरी लेट, और जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे उनको काफ़ी पहले डिस्कवर कर लिया गया था, बिकॉज इनकी कुछ हाइडिंग मैकेनिज्म होती है, इस कारण इनकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई है। तो यानी इतना लेट डिस्कवरी होने के बाद इनके ऊपर बहुत कम वर्क किया गया है, इवन यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज जो अमेरिकन कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा वर्क हुआ है, और इंडिया में बहुत कम वर्क हुआ है। इवन इनका जो सब्जेक्ट है निमेटोलॉजी, बहुत सारे इवन अभी भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर के, जहाँ इनकी स्टडी सेपरेट डिपार्टमेंट के अंदर ना होके प्लांट पैथोलॉजी वाले डिपार्टमेंट के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। तो यानी बहुत लेट इनका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। बट फिर भी देखिए यहाँ पे जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनके ऊपर बहुत एक्सीलेंट वर्क करके नोबल प्राइज ले लिया, तो यहाँ इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे तीन साइंटिस्ट हैं, ब्रेनर, हॉर्विट्स एंड सल्सटोन। तो देखिए ब्रेनर, हॉर्विट्स और सल्सटोन, ये तीन साइंटिस्ट हैं, ब्रेनर, हॉर्विट्स एंड सल्सटोन। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था कि डिस्कवरी करी थी, देखिए ये फ्री लिविंग निमेटोड है, मैंने जैसे आपको बताया था, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये जेनेटिक स्टडीज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, सिनोरेब्डेटिस इलेंगस, ये देखिए एक निमेटोड है जो कि फ्री लिविंग ये निमेटोड है। तो इसके अंदर इन्होंने जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है उनकी स्टडी करी थी, और इसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट को नोबल प्राइज मिला था। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट है ये वाला निमेटोड सिनोरेब्डेटिस इलेंगस, जिसकी की जेनेटिक स्टडी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके लिए इनको क्या है, नोबल प्राइज दिया गया था। तो देखिए यानी निमेटोड्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, निमेटोड्स ने एक नोबल प्राइज दिया है वर्ल्ड को, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको थोड़ा सा अच्छे से सिंसियरली तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार ये सब्जेक्ट है। देखिए अब यहां हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि निमेटोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम अच्छे से इंटरेस्ट तरीके से हम पढ़ेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से आपको याद होगा। तो देखिए निमेटोड्स हैं, इनका कुछ साइंटिफिक नाम ले लेते हैं हम और इनकी साइज ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ रहे हैं और इवन ऐसे ही आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। तो हम देखते हैं, देखिए स्मॉलेस्ट निमेटोड हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्मॉलेस्ट निमेटोड यानी बहुत छोटा निमेटोड, ठीक है। सबसे छोटा निमेटोड कौन होगा, ग्रेफियला माइन्यूटम, जिसकी की साइज होती है ओनली 82 माइक्रोन मीटर, ठीक है। तो सबसे छोटा ये निमेटोड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लार्जेस्ट निमेटोड, लार्जेस्ट निमेटोड यानी सबसे बड़ा निमेटोड है ये, प्लेसेंटोनेमा गिगंटिसिमा, जो कि 8 मीटर तक लंबा होता है, इतना लंबा ये होता है, यानी सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है ये। और देखिए प्लेसेंटोनेमा गिगंटिसिमा ये होता है, ये एक वेल मछली होती है, उसके अंदर ये पैरासिटिक होता है, यानी वेल मछली जो है बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी है हम वेल मछली यहाँ पे वर्ल्ड संसार में एक बड़ा जानवर है, तो इसी टाइप से उनके अंदर ये रहते हैं, तो ये भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको। तो स्मॉलेस्ट निमेटोड हो गया, ग्रेफियला माइन्यूटम, माइन्यूट का मतलब छोटा होता है, तो इसको आपको याद करने में बहुत ईजी रहेगा, एंड प्लेसेंटोनेमा गिगंटिसिमा, जो कि मैंने बताया वेल मछली जो होती है, वेल फी जो होगी उसका ये क्या है, ब्लू वेल का ये क्या होता है, पैरासिटिक होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट, स्मॉलेस्ट पीपीएन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स, क्योंकि हम प्लांट पैरासिटिक निमेटोड पढ़ने वाले हैं, तो स्मॉलेस्ट पीपीएन जो होगा, सबसे छोटा प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स कौन होगा वो आपको याद रखना है, तो इसको हम बोलते हैं पेराटीलेंकस, पेराटीलेंकस हम बोलते हैं इस, जो कि पिन निमेटोड होता है, पिन निमेटोड, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है पिन निमेटोड है, ठीक है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो पेराटीलेंकस जो है सबसे छोटा प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है, निमेटोड की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि
280 माइक्रोमीटर होगा। देखिए इससे बड़ा है ये, इसीलिए हमने बोला है कि जो स्मॉलेस्ट निमेटोड, यहाँ हम स्मॉलेस्ट पीपीएन की बात कर रहे हैं, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की हम बात कर रहे हैं। तो आपको पॉइंट यहाँ पे, इसलिए मैं कंपैरिजन के लिए एक स्लाइड के अंदर इनको रखा है ताकि आपको कहीं से गलत ना हो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट पीपीएन की हम बात कर लेते हैं, यानी लार्जेस्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, तो ये जो होता है पेरालोनजी डोरस होता है, जिसको हम नीडल निमेटोड बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नेम भी बहुत जरूरी है, आपको साइंटिफिक नेम नहीं देगा, कॉमन नेम दे देगा, ठीक है। तो यानी पेरालोनजीडोरस जो है ये क्या होता है, सबसे बड़ा प्लांट पेरासिटिक निमेटोड होता है, जिसकी साइज जो होती है 1.2 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर और जो निमेटोड है वो कौन सी रेंज के होंगे, तो जो मोस्ट ऑफ द प्लांट पेरासिटिक निमेटोड होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेंज है उनकी 0.3 to 2 millimeter, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाता है 0.3 to 2 millimeter की साइज के, ये क्या मोस्ट ऑफ द प्लांट पैरासिटिक आपके आएंगे अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से स्लाइड को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देखिए ब्रांचेस हम देख लेते हैं, निमेटोलॉजी जो है उसमें हम टू टाइप से हम स्टडी करते हैं, एक हम करेंगे हेल्मिंथोलॉजी, हेल्मिंथोलॉजी मतलब जो हेल्मिंथस होते हैं उनकी स्टडी हम करेंगे, ऐसे निमेटोड जो कि ह्यूमन बींग के पैरासाइट होते हैं उनको हम हेल्मिंथस बोलते हैं, तो इनकी स्टडी हम अलग साइंस या अलग ब्रांच के अंदर करेंगे जिसको हम हेल्मिंथोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेल्मिंथोलॉजी क्या है, तो हेल्मिंथोलॉजी देखिए यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, निमेटोड्स देट आर पैरासिटिक और पैरासाइट्स ऑफ मैन एन एनिमल, ओके, मैन और जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बींग, ठीक है, इनको हम ह्यूमन बींग्स बोलेंगे और इनकी स्टडी हम करते हैं। देखिए ऐसे पैरासाइट निमेटोड्स देट आर पैरासिटिक टू द ह्यूमन बींग्स या फिर मैन और एनिमल्स आर कॉल्ड हेल्मिंथस, इनको हम हेल्मिंथस बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं हेल्मिंथस बोलते हैं, और हेल्मिंथस की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, हम हेल्मिंथोलॉजी के अंदर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं देट आर पैरासिटिक टू द मैन एंड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स, तो उनकी स्टडी हम हेल्मिंथोलॉजी के अंदर करते हैं, जो कि आगे कुछ फ्यू निमेटोड्स ऐसे हैं जो कि हेल्मिंथस हैं और वो ह्यूमन बींग्स को पैरासाइट करते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्मिंथस मैंने लिखा है, यहाँ निमेटोड्स नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है मैंने, हेल्मिंथस। सो अब आपको इसका बिल्कुल कंपैरिजन आ जाना चाहिए कि हेल्मिंथस होगा मतलब ऐसा निमेटोड होगा जो कि ह्यूमन बींग को पैरासाइट करेगा, उसको हम निमेटोड्स नहीं बोलेंगे, उसको हम हेल्मिंथस बोलेंगे। तो देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि इंटेस्टाइनल वर्म बोलते हैं, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इंटेस्टाइनल राउंड वर्म बोलते हैं, जो कि एनीमिया एंड हैवी इन्फेक्शन टू द इंटेस्टाइन एंड लीड्स टू द इंटेस्टाइन ब्लॉकेज, ये क्या करता है, जो इंटेस्टाइन होती है आंत उसके अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं और वहाँ पे इंटेस्टाइन को ब्लॉक करते हैं, तो इसीलिए इनको इंटेस्टाइन यानी आंत के वर्म, ठीक है, आंत के वर्म इनको बोला जाता है, ठीक है, इस टाइप से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो होता है एक पिन वर्म होता है, ठीक है, ये पिन वर्म है, पिन निमेटोड अलग है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो होता है ये पैरासिटिक इन सिकम, सिकम के अंदर ये पैरासिटिक होता है और इचिंग करता है ये एनल एरिया में, तो जो छोटे बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ये क्या करते हैं, पैरासिटिक होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, ओके, और ये क्या करता है, एलिफेंटाइटिस डिजीज करता है, हाथी पांव रोग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाथी पांव रोग, ठीक है, हाथी पांव रोग ये करता है, क्योंकि इसके अंदर ये क्या करता है, जब ह्यूमन बींग्स को ये पैरासाइट करता है तो उसमें जो पांव होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और हाथी के जैसा वो पांव लगता है, इसलिए इसको हाथी पांव रोग बोलते हैं। ओंकेसेरा सरका वल्वुलस जो कि फाइलेरियल वर्म है, अनदर फाइलेरियल वर्म, एंड ओंकोसेरियसिस ये करता है, जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है रिवर ब्लाइंडनेस। एंड देखिए जो रिवर ब्लाइंडनेस होता है ये क्या होता है, ये निमेटोड्स होता है, ये डिजीज करता है रिवर ब्लाइंडनेस, और जो रिवर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है वो ब्लैक फ्लाई होती है सिमुलियम स्पीसीज, देखिए इस टाइप से ये इस निमेटोड को ट्रांसमिट करती है, यानी यहाँ पे वेक्टर, एज ए वेक्टर
इज ए वेक्टर का काम ये करती हैं। वेक्टर मतलब ऐसे ऐसे वाहक होते हैं, वेक्टर मतलब वाहक होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर लेके। तो जो ब्लैक फ्लाई होती हैं निमेटोड्स को अपने अंदर लेके ह्यूमन बींग्स के पास जाएगी और इस निमेटोड्स को ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसमिट कर देगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे देखिए ओंकोसेर का वल्वुलस जो कि रिवर ब्लाइंडनेस करता है, यानी ओंकोसेरियसिस करता है जो कि निमेटोड कोज करेगा बट ट्रांसमिटेड बाय सेंड फ्लाई। इस टाइप से दोनों टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस जिसको कि हम गुनिया बम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये जो होता है पेरासाइट ऑफ सबक्यूटेनस टिश्यू, देखिए ये ब्लिस्टर कॉज करता है लिम्स में। और देखिए ये जो निमेटोड्स थे इनको हम हेलमिंथस बोलेंगे, ये पेरासिटिक थे ह्यूमन बींग्स के। ओके, और वो ये जो थे मतलब पुराने टाइम पे जब मेडिसिन वगैरह नहीं हुई थी उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डिजीज कोज करते थे प्लांट ह्यूमन बींग्स के अंदर। बट चूंकि अब जो है काफ़ी मेडिसिन अवेलेबल हैं और अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इसलिए इनका इतना इन्फेक्शन नहीं होता है, बट इन फ्यू केसेस इनका इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमको जानना है कि ये कौन कौन से रोग करते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम निमेटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, और इसका हम पूरा जो हमारा सारा लेक्चर्स रहेगा निमेटोलॉजी में पूरा इसी ब्रांच के ऊपर होगा। इसको हम बोलेंगे फाइटो निमेटोलॉजी। फाइटो का मतलब यहाँ पे होगा देखिए प्लांट, फाइटो का मतलब होगा प्लांट, मतलब प्लांट निमेटोलॉजी मतलब ऐसे निमेटोड्स जो कि प्लांट के पैरासिटिक होते हैं उनका स्टडी हम फाइटोनिमेटोलॉजी या नेमेटोलॉजी के अंदर हम करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या जूलॉजी, बिल्कुल आप सही मानेंगे इसको क्योंकि जूलॉजी ही इनकी एक ब्रांच होती है। जूलॉजी के अंदर हम नेमेटोड्स का डिस्कशन करते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं एक एनिमल होते हैं, तो एनिमल की स्टडी हम जूलॉजी के अंदर करते हैं। विच डील्स विद द वाइड डाइवर्स ग्रुप ऑफ नेमेटोड्स विच आर पेरासिटिक टू द प्लांट्स, मतलब ये प्लांट्स के पेरासिटिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं प्लांट्स को पेरासाइट करते हैं और वहां पे ये डिजीज को कोज करते हैं। अब देखिए ये जो जितने भी प्लांट पैरासिटिक निमेटोड हैं इनका स्टडी हम नेक्स्ट वाले हमारे लेक्चर में बहुत डिटेल्स में करने वाले हैं। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन रहा है, इंट्रोडक्शन में आपको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने क्या देखा निमेटोड जो है ग्रीक वर्ड है नेमा और ओइडस से मिलकर ये बना होता है, मीन्स थ्रेड लाइक वर्म ये होते हैं, धागेनुमा ये वर्म होते हैं, धागेनुमा क्रमी वर्म इनको बोलते हैं या सूत्र यानी धागा सूत्र क्रमी इनको बोला जाता है। और इसकी स्टडी हम निमेटोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर करते हैं। ये पेस्ट होते हैं, प्लांट पैथोजेंस होते हैं, ये देखिए प्लांट पैथोजेंस होते हैं ये और इनको हम निमेटोड्स बोलते हैं और प्लांट के अंदर ये डिजीज कोज करते हैं। देखिए कुछ निमेटोड्स फ्री लिविंग हो सकते हैं जो किसी के अंदर डिजीज नहीं करेंगे, कुछ क्या होंगे प्लांट के पैरासिटिक होंगे उनको हम प्लांट पैरासिटिक निमेटोड बोलेंगे, कुछ क्या होंगे इनवर्टिब्रेट्स को डिजीज करेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड यानी इंसेक्ट के ऊपर ये पैरासाइट होंगे, और कुछ जो होंगे वो क्या करेंगे ह्यूमन बींग्स के ऊपर पैरासाइट होते हैं उनको हम हेलमिंथस बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा इनकी ब्रांच हेलमिंथोलॉजी मतलब हेलमिंथस की स्टडी होगी और जो निमेटोलॉजी होगी वो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स की वहां पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए आज का जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट और एक बेसिक टाइप का आपका लेक्चर था और यहां पे हम देख लेते क्वेश्चन किस टाइप से आपसे इस लेक्चर से पूछे जा सकते हैं। तो हेलमिंथस इज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हेलमिंथस इज, हेलमिंथस क्या होता है, क्या ये प्लांट पैरासिटिक है या इनवर्टिब्रेट पेरासाइट है या ह्यूमन पेरासाइट है। तो देखिए ह्यूमन पेरासाइट ये होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि ह्यूमन पेरासाइट जो होगा वो उनको हम हेलमिंथस बोलेंगे, प्लांट पेरासाइट को हम निमेटोड्स बोलते हैं। ठीक है, निमेटोड्स बोलते हैं जो कि PPN हम बोलेंगे, और जो इनवर्टिब्रेट्स यानी इंसेक्ट के जो पेरासाइट होंगे उनको हम बोलेंगे EPN। ठीक है, तो यानी ये आपको इस टाइप से बहुत अच्छे से याद करते चलना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्गेस्ट, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है PPN पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए लॉन्जिडोरस है क्या, पैरालॉन्जिडोरस, पेराटिलेंकस, प्लेसेंटोनेमा, गिगंटिसिमा। तो देखिए यहाँ पे PPN पूछा है, PPN मतलब देखिए प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। ठीक है, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड हैं तो ये हमारा आंसर जाएगा पेराटिलेंकस, हम पढ़ चुके हैं ये जो होता है पिन निमेटोड ये होता है।
ठीक है, ये क्या होता है, पिन नेमेटोड होता है, 1.2 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। प्लेसेंटोनेमा गिगंटिसिमा सबसे लॉन्गेस्ट पीपीएन है, लॉन्गेस्ट ये क्या है, सॉरी निमेटोड है, लॉन्गेस्ट निमेटोड, जो कि 8 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से बिल्कुल आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है, भूलना नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट पीपीएन पूछा था, सॉरी ये होगा स्मॉलेस्ट, यहां पे स्मॉलेस्ट पीपीएन, ओके, जो कि यहां पे स्मॉलेस्ट पीपीएन जो होगा, यहां पे पिन निमेटोड है ये, और ये जो निमेटोड है देखिए इसकी जो साइज होती है 270 माइक्रोमीटर होती है। देखिए ये क्वेश्चन इसका ये नहीं जाएगा, ये स्मॉलेस्ट है, पेरालोंजिडोरस ये होगा, पेरालोंजिडोरस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट पीपीएन होगा, जो कि नीडल निमेटोड है। ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर है, तो हमारा यहां पे आंसर क्या होगा, देखिए हमने इसका आंसर पहले गलत दे दिया था, तो आपको याद रखना है पेरालोंजिडोरस जो है नीडल निमेटोड जो है सबसे बड़ा क्या है, यहां पे निमेटोड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पीपीएन। निमेटोड्स आर, निमेटोड्स क्या है, तो देखिए निमेटोड्स क्या वर्टिब्रेट्स हैं, क्या इनवर्टिब्रेट्स हैं, और कैन नॉट डिफाइन और नन, तो निमेटोड्स हमने पढ़ा है कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल है। ठीक है, तो निमेटोड्स को हम क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स ये एनिमल होते हैं, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे निमेटोड्स कॉल्ड इन, निमेटोड्स कॉल्ड नेमास, देखिए नेमास जो होता है इनको कहाँ बोला जाता है, ऐसा ये पूछ रहे हैं, तो यानी यूके, यूएसए, इंडिया या ऑल ऑफ द अबव, तो यानी यूएसए जो होता है वहां पे इनको क्या बोलते हैं, नेमास बोलते हैं, और यूके जो है, ठीक है ऐसा हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन यूरोप हमने पढ़ा था। ठीक है, यूरोप जो है वहां पे इनको इल्वम, इल्वम बोला जाता है। ठीक है, और जूलॉजिस्ट जो हैं वो क्या बोलते हैं इनको, वो बोलते हैं राउंड वर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, निमेटोड्स आर आल्सो कॉल्ड, देखिए क्वेश्चन आ ही चुका है हमारे पास, निमेटोड आर आल्सो कॉल्ड, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, अर्थवर्म बोलेंगे, नहीं टेप वर्म हमने ऐसा भी नहीं पढ़ा है, राउंड वर्म, यस राउंड वर्म्स, बिकॉज जब इनका हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो इस टाइप से नजर आते हैं, इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में ये हम जब इनको कट करते हैं तो इस टाइप से नजर आते हैं, और इनको हम बोलते हैं राउंड वर्म। ठीक है, जूलॉजिस्ट जो होते हैं इन्होंने जब इनका क्रॉस सेक्शन काटा था तो ये राउंड का शेप होता है, और राउंड वर्म इनको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए रिसेंटली ये क्वेश्चन आस्क किया गया था एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, निमेटोड्स आर आल्सो नोन एज, जो कि प्री पीजी एमपी 2021 का क्वेश्चन था, और देखिए यहाँ पे निमेटोड्स जो था, देखिए निमेटोड्स आर आल्सो नोन एज ट्रिमेटोड्स, अर्थवर्म, टेप वर्म और राउंड वर्म, देखिए इन्होंने इसको माना है टेप वर्म, इन्होंने इसको टेप वर्म माना है, कि जो कि सरासर यहाँ पे गलत है, बिकॉज देखिए हमने कहीं नहीं पढ़ा है, राउंड वर्म जो है इनको बोला जाता है बाय जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट जो है उन्होंने इनकी स्टडी करी थी और इनको जो राउंड वर्म नाम दिया था, ओके राउंड वर्म इन्होंने नाम दिया था इसको, बिकॉज जब इनका क्रॉस सेक्शन हम काटते हैं तो इस क्रॉस सेक्शन में ये क्या होते हैं, इस टाइप से यहाँ पे इन क्रॉस सेक्शन के अंदर ये जो है ये एनिमल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, राउंड कलर का इनका, राउंड जो होता है इनका शेप होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन देखिए गलत दिया गया है इनका आंसर, लेकिन इसका आंसर आएगा राउंड वर्म, राउंड वर्म इसका आंसर आएगा, और कुछ बच्चे जो थे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली कि सर इसका आंसर टेप वर्म दिया है, तो ये टेप वर्म नहीं आएगा, ऐसे को स्टूडेंट बिल्कुल इस क्वेश्चन के अगेंस्ट जा सकते हैं, ये जो होगा राउंड वर्म ही होगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हम देख लेते हैं, देखिए जो राउंड वर्म है अभी वो निमेटोड्स हैं, और जो टेप वर्म ये बोल रहे हैं, देखिए इसका आंसर टेप वर्म एक सिस्टोडा क्लास होती है, सिस्टोडा क्लास के अंदर जो होगा, जो निमेटोड्स होते हैं सिस्टोडा क्लास, पेरासिटिक वर्म्स होते हैं इस सिस्टोडा क्लास में, जो कि फाइलम, फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस,
प्लेटी हेलमेंथिस वाले जो निमेटोड्स होंगे उनको हम टेपवर्म बोलेंगे, और हमारा जो निमेटोड्स का कौन सा फाइलम है, इनका निमेटोडा फाइलम है, ठीक है, तो ये राउंड वर्म ही कहलाएंगे। और जो देखिए टेपवर्म क्यों बोलते हैं इनको, बिकॉज रिबन लाइक वर्म्स होते हैं ये, एंड नोन एज द टेपवर्म। देखिए इस टाइप से ये रिबन लाइक वर्म होते हैं और इनको टेपवर्म बोला जाता है। तो यानी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, टेपवर्म निमेटोड्स को नहीं बोलेंगे हम, इसको राउंड वर्म ही बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए इस ऐसा जो स्ट्रक्चर निमेटोड का कहीं तक नहीं होता है, कहीं से भी कहीं हमने ऐसे निमेटोड्स नहीं देखे हैं। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन है आपका, निमेटोड्स हैं राउंड वर्म ही जाएगा, या तो उनको राउंड वर्म बोलेंगे या थ्रेड वर्म बोल सकते हैं। इल वर्म यूरोपियन कंट्रीज वाले बोलेंगे, नेमास यूएसए वाले उनको बोलेंगे, और थर्ड वर्म हम उनको बिकॉज ऑफ द रिजेंबल ऑफ द थर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए हम उसको थर्ड वर्म बोलेंगे। एंड राउंड वर्म बिकॉज जब हम क्रॉस सेक्शन उनका काटेंगे तो वो क्या कैसे नजर आएंगे, राउंड इन शेप हो नजर आएंगे, तो उनको हम राउंड वर्म वहां पे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा था आज एक बेसिक लेक्चर था, जिसमें हमने निमेटोलॉजी के बारे में, जो निमेटोड्स होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। तो आगे मैं ऐसे मजेदार लेक्चर आपके लिए लेके आने वाला हूँ, आप जुड़िए और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो जरूर आप हमसे कर सकते हैं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।